आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है एक्चुअली। देखा जाए तो सुबह के 8 से लेकर के अभी हम पहुंचने ही वाले हैं शाम के 8 बजे, लेकिन ये रिकॉर्डिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ। आप सब इस रिकॉर्डिंग को देखते हैं, सुनते हैं और किसी न किसी तरीके से आप औरों के साथ भी शेयर करते होंगे उनके भले के लिए, लेकिन ये रिकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं वापस आया हूँ सिलीगुड़ी से, ट्रैवल बैक। बहुत ठंड है यहाँ पर, बाइक में आए हैं वापस, लेकिन एंजॉय किया उस राइड को एंड मेडिटेट करते हुए आए पूरे रास्ते। सो आज हम पता करेंगे कि हमें वो कौन सी ताकतें चाहिए ताकि हम हर क्षण हर समय अपने अंदर वो शक्ति जागृत करें जिससे कि हम सफलता मूरत पर बने आगे, या सफलता मूरत भव बने जो कि परमात्मा कहते हैं अपने शब्दों में। तो आज का वरदान का टाइटल है संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले। सफलता मूरत भव, संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले, सफलता मूरत भव। संकल्प शक्ति द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमात्मा कहते हैं विस्तार में, संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने का अनुभव होता है। अच्छा, उसमें दृढ़ता आ सकती है आपकी, संकल्प शक्ति जो है उसमें आपकी निडरता आ सकती है, उसमें आपकी निर्भव होना या निर्भयता आ सकती है आपके अंदर, और आपके अंदर हो सकता है कि विल पावर, जिसको हम कहते हैं दृढ़ संकल्प करना, विल पावर बहुत ज्यादा हो। और ये सारी चीजें तब होती हैं जब हमारे अंदर एक फीलिंग होती है कि हाँ, ये जो हम कर रहे हैं ना, इससे बहुत लोगों का फायदा होने वाला है। ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक एनर्जी फिल होती है, और जब आप औरों को, आप जो काम कर रहे हो ना, अगर उस काम से आप औरों की मदद कर पा रहे हो तो आपको दुआएं बहुत मिलती हैं, और वो दुआओं के कारण ही राइट लोग राइट टाइम पर और राइट सिचुएशन में, राइट सर्कमस्टेंसेस में आपके पास, आपके सामने आ जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कैसे वो पॉसिबल है, और ये सब कुछ हो पाता है आपकी संकल्प शक्ति के द्वारा। शक्ति तब आती है जबकि बहुत प्योरिटी होती है ना, जैसे कहा जाता है आपका प्लूटोनियम जितना प्योर होगा, एंड आई बिलीव मैं जो कह रहा हूँ राइट है, साइंटिस्ट तो नहीं हूं, कि प्लूटोनियम जितना प्योर होगा उतना ताकतवर एटम बम होगा या न्यूक्लियर बम होगा। तो उसके अनुसार आप सोचिए, जितना आपके आत्मा के मन बुद्धि संस्कार इतने प्योर होंगे, तो उतनी ही आपके संकल्पों में उतनी शक्ति होगी कि आप वो सिचुएशन, वो सर्कमस्टेंसेस, वो पीपल, वो पदार्थ भी आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। या कोई आपको कहेगा सर ये लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, एंड यू विल बी लाइक अमेज्ड। आप लोग, ये तो मैं सोच रहा था ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। वेल, वो सब कुछ आपको ब्रह्म कुमारी में सिखाया जाता है कि टेलीपैथी कैसे काम करती है, और आपके थॉट्स कैसे जाते हैं दुनिया में, और आपके लिए वो सर्कमस्टेंस, आपके लिए वो इंसान, आपके लिए वो सिचुएशंस पैदा कर देते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, परमात्मा के वाक्य सुनेंगे पहले। संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है, जैसे स्थूल आकाश, फिजिकल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, यहां तो बहुत भी दिख रहे हैं बहुत अच्छे से, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में। अब ये परमात्मा बात कर रहे हैं संकल्पों का, जो वायुमंडल है वाइब्रेशंस का, टेलीपैथी का भी, हमें अदृश्य एक वायुमंडल चल रहा है यहाँ पे, करोड़ों आत्माएं थॉट्स क्रिएट कर रही है, एक दूसरे को फीलिंग सेंड कर रही है थॉट वेव्स के थ्रू, जो कि हमें दिखती नहीं, लेकिन वो हम आत्मा से यहाँ जाती है, ये हमें पता है। ये चीज आपकी साइंस भी जब तक प्रूव कर पाएगी तब तक बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन हम आत्माएं ये चीज प्रैक्टिस कर रही है ब्रह्मा कुमारीज में, और इसको हम यूज कर रहे हैं सक्सेस पाने के लिए। धन का सक्सेस से ज्यादा हम यूज कर रहे हैं इसको औरों के अंदर शांति, खुशी, शक्ति भेजने की, मेडिटेशन पावर के द्वारा। तो फिर परमात्मा फिर कहते हैं, जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे। श्रेष्ठ, जैसे हमने बात करी कि औरों के भला पहले सोचा जा रहा है, इसके पहले कि हमारा भला हो, परमात्मा के साथ मिलकर के सेवा करें इसके पहले कि ये सोचे कि मेरी सेवा हो जाए, श्रेष्ठ संकल्प। और शक्तिशाली कैसे होंगे, वो तो ऑटोमेटिक होंगे, क्योंकि और लोग भी आपको सहयोग करना शुरू कर देंगे जब आपके थॉट्स बहुत एलिवेटेड थॉट्स होते हैं, आपको कहीं ना कहीं से सहयोग मिलेगा, एंड वो ही शक्ति बढ़ जाती है आपकी, और साथ में आपके तो है ही परमात्मा पिता, सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
जैसे सैंडविच होता है ना कि शक्तिशाली संकल्प और श्रेष्ठ संकल्प, ये दो सैंडविच हो गए, मतलब कि ब्रेड हो गई, उसके अंदर की फिलिंग हो गई। क्या? सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे, परमात्मा की याद में बाबा बाबा ही करते रहेंगे, परमात्मा परमात्मा ही करते रहेंगे। आपके ये रूहानी नयन, आपके रूहानी नयन, रूहानी मूरत दिव्य दर्पण बनेगी। आपकी जो रूहानी मूरत है उसको देखकर के लोग बोलेंगे मुझे इनके जैसा बनना है, इनके जैसा शांत बनना है, मुझे इनके जैसा मेरे को खुशहाल बनना है, इनके जैसा मुझे समझदार बनना है, वो आपको देख करके बोलेंगे। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मुहूर्त होते हैं। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मुहूर्त होते हैं। तो वो आपको देख करके, आपके दिव्यता, आपके अंदर प्योरिटी, आपके अंदर शक्तिशाली संकल्पों को देख करके वो हैरान तो होंगे और कहेंगे कि मुझे इनके साथ जुड़ना है, क्योंकि उनको पता है कि जो ऐसी आत्माएं होती हैं वो बहुत सफल बनती है लाइफ में। यहाँ फिर से धन की बात नहीं हो रही है, सफलता डजंट इक्वल मनी, सफलता मतलब आपने कितने इंसानों की लाइफ चेंज करी और आपने कितनी दुआएं कमाई है लाइफ में। ये सब कुछ पॉसिबल है ब्रह्म कुमारी इसमें, जब आप समझे इस ज्ञान को और कैसे संकल्पों को आप प्योरीफाई और शक्तिशाली बना सकते हैं। इसके साथ ओम शांति।